हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तंदूरी चिकन की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर और टेक्सचर के साथ घर पर, वो भी बिना तंदूर और बिना ओवन के। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द रेसिपी। तो सबसे पहले हम कर्ड बनाएंगे, यानी टंगी हुई दही। उसके लिए एक छलनी लेंगे और उसके ऊपर मलमल या कॉटन का कपड़ा रखेंगे और अब इस पे आधा कप दही ऐड करेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए। इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है यानी पानी, उसको अपने आप से निकलने देंगे। और जब इसमें से अपने आप से मॉइस्चर यानी पानी निकलना बंद हो जाएगा तो हम इस तरह से छलनी पर रख कर छोड़ देंगे आधे से एक घंटे के लिए। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो अपने आप से निकल जाएगा। तब तक हम चिकन की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लेग और थाई पीस लिया है चिकन का। आप चाहें तो होल चिकन या फिर चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जो मॉइस्चर है उसको पेपर नैपकिन से या किसी भी साफ़ कपड़े से आप उसको ड्राई कर लें। अब इन पीसेज में हमें कट्स लगाने हैं यानी गैशेस। पहले दो कट्स हम लेग यानी ड्रम स्टिक्स पे लगाएंगे, इस तरह से लंबे कट्स लगाएंगे। और फिर हम जो हमारा ऊपर का पोर्शन है थाई पोर्शन, उस पर भी इस तरह से लंबे दो कट्स लगा देंगे। अब हम इनके जॉइंट्स पे कट कर लेंगे। तो एक कट हम लेग के नीचे वाले पोर्शन पे लगाएंगे और एक थाई और लेग के जो बीच में जॉइंट है वहाँ पर लगाएंगे। इससे चिकन आपका अच्छी तरह अंदर से मॉइस्ट होगा और चिकन जल्दी पकेगा भी। लेग के बैक साइड पर भी लंबे दो कट्स लगा देंगे। जो भी हम मैरिनेशन में मसाले डालेंगे वो इजीली एब्जॉर्ब करेगा। ये कट्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसी से मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब होंगे और चिकन जल्दी पकेगा भी। इसे फर्स्ट मैरिनेशन पे रखेंगे। तो यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। हसबे जायका मैंने नमक लिया है, एक टीस्पून मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि लेग और थाई पीस काफ़ी फ्लैशी होता है तो उसे अंदर तक गलाने में हेल्प करेगा। एक टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और एक टीस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और एक टीस्पून भर कर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स करेंगे और चिकन के सारी जगहों पर जो भी कट्स वगैरह हैं सब पर अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन तैयार हो गई है और अब इसे ढककर 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आधे से एक घंटे के लिए मैरिनेशन पे ज़रूर रखें। मैरिनेट होते हुए 7 घंटे हो चुके हैं, तब सेकंड मैरिनेशन कर लेंगे। इसके लिए एक बोल लिया और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे यानी मस्टर्ड ऑयल, और इसे अच्छी तरह से पका लेना है बिल्कुल धुआंधार होने तक। और अब यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर कर लाल मिर्चों का पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक बोल में निकाल लेंगे। करेंगे 1 चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी, नमक हसबे जायका और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे तंदूरी मसाला। और डाला मैंने हंग कर्ड जो हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। अब एक विस्क के हेल्प से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी दही के चंक्स नहीं रहने चाहिए और बहुत अच्छा सा हमें इसका एक सॉफ्ट सा मिक्सचर तैयार करना है। स्मूथ तंदूरी मसाला तैयार है। अब बारी आती है इसे तंदूरी फ्लेवर देने की। तो इसके लिए कटोरी में जलता हुआ कोयला रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अंदर जो स्मोक निकल रहा है वो मसाला एब्जॉर्ब करेगा और हमारे चिकन को देगा प्रॉपर तंदूरी फ्लेवर, जिसे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं तंदूर या ग्रिल वाले तंदूरी चिकन से घर पर। 4 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब इसे कवर हटाकर देख लेते हैं। और ये जो कटोरी है कोयले वाली, इसे भी निकाल देंगे और अब इन मसालों को हम ऐड कर देंगे हमने जो चिकन पहले से मैरिनेट करके रखा था उसमें। इसमें मिक्सचर ऐड करने से पहले चेक करेंगे इसमें अगर पानी रिलीज हुआ होगा तो उस पानी को हम पहले निकाल लेंगे और इसे फेंक देंगे। अब जो ये मसाला हमने तैयार करके रखा है इसे ऐड कर देंगे अपने फर्स्ट मैरिनेटेड चिकन में। और अब इन मसालों को सभी चिकन पीसेस पर अच्छी तरह से लगा देंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखेंगे। इसे बहुत लंबे टाइम के लिए मैरिनेशन पे नहीं डालते हैं क्योंकि अगर इसने पानी रिलीज़ कर दिया तो सारा मैरिनेशन कुकिंग के टाइम पर निकल जाएगा। जितनी देर भी मैरिनेट करना है, 7 घंटे 8 घंटे, वो फर्स्ट वाले मैरिनेशन पर ही रखेंगे और वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वो जितने ज़्यादा देर मैरिनेशन पर रहेगा उतना अच्छा फ्लेवर रहेगा और उतना अच्छा वो जल्दी कुक होगा। और आप इसे हाफ कवर करके आधे घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखेंगे। पूरा कवर नहीं कीजिएगा नहीं तो इसमें से पानी रिलीज होगा।
मैरिनेट होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो इसके कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो हम इसे पकाएंगे कुकर में। तो इसके लिए सबसे पहले ढक्कन से विसल और रबर को निकाल लेंगे और इसका लिट लगाकर 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। कुकर प्री हीट हो चुका है, तो इसमें मैं एक स्टैंड रख रही हूँ ताकि इसको थोड़ी सी हाइट मिल जाए। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे जो कुकर में इजीली चला जाए, और इसके ऊपर चिकन पीसेस को रख देंगे। तो एक बार में इसमें 2 पीस ही अटेगा क्योंकि कुकर का साइज़ छोटा होता है। और अब ढक्कन को लगाएंगे और आधे घंटे के लिए इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। सारे कुकिंग अरेंजमेंट्स हैं, ये आप तंदूरी चिकन के प्रिपरेशन से पहले ज़रूर चेक कर लें। और ये देखिए चिकन अच्छी तरह से पककर तैयार है, और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे आराम से ग्लव्स पहनकर किसी चीज़ की हेल्प से निकालिएगा। और ये चिकन पीसेस को मैंने प्लेट में निकाल लिया, और इतनी ज़बरदस्त इससे खुशबू आ रही है। इसको अब बारी आती है ग्रिल टेक्सचर देने की, तो इसके लिए मैंने ये स्टैंड लिया, से गैस पर रखेंगे, फ्लेम को हाई टू मीडियम करेंगे और इस पर चिकन पीसेस रख देंगे। सारे चिकन पीसेस को इस पर रख दिया है, और अब इस तरह से घुमा घुमा कर हम इसे ग्रिल कर देंगे, और इसी तरह से हम दोनों साइड से करेंगे। ये देखिए एक साइड ही अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है, तो अब इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड से भी पलट कर ग्रिल कर लेंगे। और ये तंदूरी चिकन ग्रिल होकर तैयार हो चुकी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। तो सर्विंग डिश में सबसे पहले रखेंगे तंदूरी चिकन गर्मा गर्म। तंदूरी चिकन का फ्लेवर सबसे अच्छा धनिया की चटनी के साथ आता है। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो है बेल आइकन है उसे हिट ज़रूर कर लीजिएगा। जब हम इसे ग्रिल करते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाता है, तो इसको मॉइस्ट करने के लिए हम बटर को मेल्ट करके ऊपर से ब्रश कर देंगे। गर्म है, जितना ज़्यादा बटर इस पर डालेंगे वो थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा और चिकन बहुत देर तक मॉइस्ट रहेगा, और इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा इन्हांस हो जाता है। और सबसे लास्ट में इस पर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा लेमन जूस, जो इसे प्रॉपर रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर देगा। और ये देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन जूसी क्रिस्पी सा बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही अच्छी और इजी सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।